हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती की और 144 पदों पर होने वाली भर्ती की। पहले बात करते हैं एनटीटी भर्ती की। प्रदेश सरकार ने राज्य में एनटीटी की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में एनटीटी भर्ती मामले पर चर्चा हुई। इस दौरान भर्ती के लिए पूर्व सरकार के कार्यकाल में बनाई गई पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें जो भी कमियां हैं उसे कैबिनेट की बैठक में सभी की राय से बदलने का फैसला लिया गया। हालांकि इस मामले पर अंतिम फैसला कैबिनेट में ही लिया जाएगा। बैठक में शिक्षा सचिव सहित तीनों निदेशक मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने विभाग में होने वाली भर्तियां व शिक्षा विभाग के पेंडिंग मामलों पर भी अपडेट लिया। विभाग को 28 फरवरी तक प्रमोशन और बैच-वाइज भर्तियाँ शुरू करने को कहा था, लेकिन अभी तक मामले पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने 28 फरवरी को एक बार फिर से शिक्षा विभाग से भर्ती प्रमोशन व अन्य मामलों पर रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दूं, शिक्षा विभाग ने 8000 पदों को भरने का प्रस्ताव तैयार किया है। शिक्षा मंत्री ने बैठक में कोर्ट में चल रही भर्ती प्रमोशन व अन्य मामलों को लेकर भी विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इन मामलों के समाधान के लिए विभाग की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई, अगली बैठक में अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट लाने को कहा गया है। शिक्षा विभाग में होने वाली भर्ती और एनटीटी भर्ती पे कोई भी नोटिफिकेशन आते ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाले 144 पदों पर भर्ती की। आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन जेई के लिए इंटरव्यू 27 फरवरी को लिए जाएंगे। चिकित्सा उपकरण बनाने वाली एक निजी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्ती होगी। एक्सरे मशीन, कार्डियोलॉजी मशीन, ईसीजी मशीन, स्ट्रेस टेस्ट ईसीजी सिस्टम, उपकरणों का निर्माण और निर्यात करने वाली निजी कंपनी पंचकुला में नया प्लांट लगाने जा रही है। इस प्लांट में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या 3 वर्षीय इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारकों के 40 पद भरे जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए 27 फरवरी को आईटीआई हमीरपुर में इंटरव्यू लिए जाएंगे। आईटीआई हमीरपुर के प्रधानाचार्य सुभाष चंद शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थियों की आयु 18 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए और उन्हें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और समस्त प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल और फोटोकॉपी सहित सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए आईटीआई हमीरपुर में पहुँचें। प्रधानाचार्य ने कहा कि कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को स्थायी कर्मचारी के रूप में तैनात किया जाएगा तथा उन्हें कुल 16,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें ESI, EPF कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड बिलासपुर सिक्योरिटी सुपरवाइजरों और गार्ड के 100 पदों के लिए 25 फरवरी को उप रोजगार कार्यालय नादौन और 27 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10:30 बजे इंटरव्यू लेगी। इन पदों के लिए केवल 21 से 37 वर्ष तक के 10वीं पास पुरुष पात्र होंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को 12,500 से 16,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर इंटरव्यू की सूचना भेज दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नंबर पर सूचना नहीं मिली है और वह उपरोक्त योग्यता रखता हो और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, वह भी हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित इंटरव्यू में भाग ले सकता है। धन्यवाद।